नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एकूर जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रधानी जीतने के लिए उम्मीदवार हर तरीके का दांव पेच लगा रहे थे। वहीं साफ छवि कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी ने 20 प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए भारी बहुमत से जीत हासिल करी है। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात तहसील भोगनीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत भोगनीपुर का है, जहाँ पर ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान कुल 21 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे तथा जीतने के लिए हर तरीके के दांव पेच लगाते रहे। वहीं भोगनीपुर के ईमानदार प्रत्याशी अब्दुल अनीस मलिक ने अपनी विपक्षी 20 प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए 960 वोटों से भारी बहुमत से जीत हासिल की है। भारी बहुमत से जीत मिलते ही गांव के सैकड़ों लोगों ने अपने नए प्रधान अब्दुल अनीस मलिक को फूलमालाओं से लादकर जमकर स्वागत किया। वहीं नए निर्वाचित ग्राम प्रधान ने गांव को संपूर्ण विकास कराने की बात करते हुए कहा कि अभी तक जो भी विकास कार्य ग्राम पंचायत भोगनीपुर में नहीं हुए उनको कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उनके द्वारा बताया गया कि लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास करते हुए एक गांव की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको मैं अपनी प्रधानी कार्य के दौरान पूरी ईमानदारी के साथ गांव का चौमुखी विकास कराकर लोगों को सरकारी मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलवाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आइए देखें कि भोगनीपुर ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान अब्दुल अनीस मलिक ने गाँव के विकास को लेकर क्या कहा है। आपका नाम परिचय? मेरा नाम अब्दुल अनीस सिद्दीकी, विलेज भोगनीपुर कानपुर देहात। सर, जिस तरीके से ग्राम पंचायत भोगनीपुर में आपको भारी बहुमत से जीत हुई है, आप प्रधान बन भी चुके हैं, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और विकास को लेकर क्या क्या लोग उम्मीद लगाए हुए हैं और क्या पूरा करवाएंगे आप? पहले तो हम अपने समस्त ग्रामवासियों को का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी हमें प्रचंड जीत दिलाकर हमारे ऊपर अतिरिक्त भार दिया है। मैं उसको बखूबी निर्वहन करूंगा और जो भी उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो सफाई को लेकर हों, चाहे वो पेयजल से रिलेटेड हों, इन सब का जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा, उसके लिए प्रयास करूंगा। और अगर हमें शासन लेवल पे भी कुछ लिखा पढ़ी करना पड़े तो हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आपने प्रधान पद के लिए जो दावेदारी पेश की थी, आप किन विकास के मुद्दों को लेकर आपने नामांकन पर्चा भरा था? विकास सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ जो सैनिटाइजेशन की है, सफाई की है, तो ये जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। पेयजल की यहाँ मुख्य समस्या है और शौचालय यहाँ नहीं है, चूँकि भोगनीपुर माना हुआ चौराहा है, तो इसको जो है थोड़ा सा एक अगर यहाँ पे सुलभ शौचालय या किसी तरीके का यूरिनल बन जाए तो कुछ हद तक ये समस्या लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है। सर, कितने वोटों से बहुमत मिली आपको जी? हमको लगभग 960 वोट से हम जीते हैं। जीते हुए कितने विपक्ष में आप खड़े थे? विपक्ष में 21 लोग थे। 21 लोगों के बीच में आपको लगभग 960 वोटों से अधिक जीत मिली, बहुमत जीत मिली हुई है। सर, अगर एक बात अगर आपसे की जाए कि जिस तरीके से जब कोई प्रधान पद के लिए दावेदारी करता है तो जब वो पर्चा पोस्टर वगैरह चिपकाता है उसमें लिखा था ईमानदार संघर्षशील प्रत्याशी, तो अभी तक के जो प्रधान यहाँ पर रह चुके हैं पूर्व के, उन्होंने भी पर्चा भरा हुआ था, अगर वो ईमानदार थे, कर्मठ ईमानदार थे, तो फिर भोगनीपुर में अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ? विकास बड़े हाल खराब है, विकास के नाम पे तो खुली लूट हुई है। एक एक सड़क से 3-3 बार पैसे का हरण हुआ है, काम बिल्कुल नहीं हुआ है। वहाँ खरंजा उखड़वा के 2-2 बार दिखाया गया है, क्योंकि सब नेट से इसको इसकी जो कार्यदायी संस्था थी, कितना पैसा निकाला गया, क्या काम हुआ, ये सब निकाल के देखा जा चुका है। और इसके लिए अगर जनता ने हमें कहा कि इसकी जांच कराई जाए तो हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। सर, जिस तरीके से आपको बहुमत तो मिल चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोरोना जैसी महामारी लगातार फैल रही है और इसको लेकर आप ग्राम पंचायत भोगनी जनता से क्या सावधानी बरतने की अपील करेंगे? उनसे ये कहेंगे कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, दूसरी बात ये मास्क का पालन अवश्य करें, दूसरी चीज़ ये है कि हर आदमी को ये आगाह करें कि नहीं, आप अब ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट हों, ये यहाँ हमारा उनसे कहना रहेगा।